बीच बीच में नई नई आत्माएं आती हैं, नए नए प्रश्न पूछते हैं। बाबा ये जो अभी बाबा ने रमेश भाई के बताया ना बाबा, जो डिपार्टमेंट के बारे में, उसका क्या क्या है वो उसका जो रमेश भाई ने तो बाबा के रहते रहते ही सारी संस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। बाबा ने मुरली में मना किया है कि हम अपनी संस्था को रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे गवर्नमेंट से, ये ईश्वरी संस्था है, हम आसुरी गवर्नमेंट से इसको रजिस्टर्ड क्यों कराएं, फिर हमें उसके अंडर में चलना पड़ेगा, जबकि हम अपनी तन मन धन की मेहनत से अपने लिए कर रहे हैं। फिर भी इन्होंने गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा लिया, और जिन नामों जिन लोगों के नाम रजिस्ट्रेशन में डाले हैं वो अपने फेवर के लोगों को डाल दिए, कुमार का दादी, गुलजार दादी और उषा बहन और दो चार और ऐसे ही लोगों के जिनकी आपस में संस्कार मिलते थे उनके नाम डाल करके वर्ल्ड रूरल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट खोल लिया, उसको रजिस्टर्ड करा लिया। बाबा को पता नहीं चला, दो दिन बाद जब बाबा को पता चला तो बाबा तो हक्के बक्के रह गए, हार्ट फेल भी हो गया, शरीर भी छोड़ दिया, और सारी संस्था इनकी मुट्ठी में है, सारा पैसा सारा प्रॉपर्टी सारे जितने भी सेंटर्स हैं उनकी बिल्डिंग्स सब उनके हाथ में, और जिसके हाथ में बिल्डिंग होती है वो जिसको चाहे ट्रांसफर कराए जिसको चाहे रखे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को पकड़ता रहता है, सारा हिसाब किताब इन्हें देना पड़े, अब वो बढ़ता जाता है बहुत ज्यादा, घपला होता जाता है ढेर सारा, कहाँ तक संभालेंगे, बूढ़े भी हो चुके हैं। बाबा वो रजिस्ट्रेशन का बताया ना आपने, वो एडवांस में भी है या वो खाली ब्रह्मा कुमारी में है? ब्रह्मा कुमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हो चुका, अब वो रजिस्ट्रेशन जो हो चुका है उसके हिसाब से ये सब सरकार की मुट्ठी में आ चुका है। इस तरह से सरकार अगर चाहे तो अपने हाथ में भी ले सकती है, सरकारी लोग जो होंगे वो तो कानून को जानते नहीं, ईश्वरीय कानून को, वैसे भी वो आसुरी संस्कारों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बाबा के मुरली के पांच तो किसी को याद भी नहीं है, मुरली के आधार पर चलते भी नहीं है। और बाबा ये जो अव्यक्त मन में आते हैं जो जितना जैसा भी जमुना के कंठे पर भी बात बताया था, जो अभी राजधानी स्थापन होगी, स्थापना हो रही है, तो जमुना के कंठे पर राजधानी स्थापना होने, ये बीके वाले क्या समझते हैं बाबू इसके बारे में? वो तो ये समझते हैं स्थूल जमुना के किनारे हमारे महल बन जाएंगे, आत्माएं ऊपर से आवेंगे और नीचे आकर के प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो जितना भी बात अभी कबाणी में आता है वो हद के हिसाब से ही समझते हैं ना, वो हद के हिसाब से समझते हैं, तो बाबा भी हद के बात समझते हैं। शिवा रावण के नाभि से नाभि में अमृत का अर्थ अध्यात्म किया, अमृत कोई दूसरी चीज नहीं है, आ अमृत, मृत माने मरा हुआ, अमृत माने जो मरता ही नहीं है जिंदा रहता है,
तो पवित्रता को ही अमृत कहा जाता है। जितनी प्योरिटी अक्षुण्य रहेगी उतना ही अमरपन आता रहेगा। प्योरिटी खलास होती है, अमरता खत्म हो जाती है। सतयुग और त्रेता में तन भी पवित्र था, मन भी पवित्र था, ज्ञानेन्द्रियां भी पवित्र थी, कर्मेंद्रियां भी पवित्र थी, तो अमृत तो था, लंबी लंबी उम्र होती थी। अभी प्योरिटी का अभ्यास खत्म हो गया, द्वापर युग आते ही आते। राउंड के राउंड तो, नाभि पर क्यों दिखाया? नाभि इसलिए दिखाते हैं कि नाभि में 16,000 नसें नाड़ियां हैं, 8,000 नसें नाड़ियां ऐसी हैं जो गंदा खून बहाती है, और 8,000 नसें नाड़ियां ऐसी हैं जो स्वच्छ खून बहाती है। शरीर में स्वच्छ खून का बहाव करने वाली भी नाड़ियां चाहिए, और जो गंदा खून हो जाए उसको लौटा करके फिर हृदय में पहुंचा के उसको शुद्ध करने वाली भी चाहिए। तो ये नसें नाड़ियां चैतन्य भी हैं विराट पुरुष की। सारी दुनिया विराट पुरुष का रूप है, उसमें 16,000 आत्माएं ऐसी हैं जो संकल्पों रूपी खून को दिशा देती है। उसमें अच्छे खून बहाने वाली भी हैं और गंदा खून बहाने वाली भी है। जो गंदा खून बहाने वाली नाड़ियां हैं वो 8,000 हैं जो पुरुष रूप में दिखाई गई है, रुद्रमाला जिसे कहते हैं, और स्वच्छ खून बहाने वाली विजयमाला वो भी 8,000 है। जो विजय माला तैयार होती है वो रानियों की माला है। भगवान ने जो राजयोग सिखाया है उस राजयोग में जिन आत्माओं ने प्योरिटी में पूरा सहयोग दिया उनसे बनती है विजय माला, और जिन्होंने प्योरिटी में पूरा सहयोग नहीं दे पाया, जो राजाएं हैं भारत के वो तो जन्म जन्मांतर के पतित राजाएं बने, अनेक रानियां रखने वाले, तो उनकी तो आदत पड़ी हुई है, संस्कार अच्छे हैं नहीं, तो वो प्योरिटी में तो सहयोग नहीं देते, लेकिन योग उनका तीखा होता है। याद की स्टेज में तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, तो वो योगी हैं, वो स्वभाव संस्कार से पवित्र हैं, तो दोनों का मेल होता है तब संचालन होता है सृष्टि का। तो ऐसे ये शरीर है, उसमें रावण की जो नाभि है उस नाभि कुंड में बताते हैं कि वो सीता को याद करता था, और सीता तो परम पवित्र है, विजयमाला की हेड है, तो विजयमाला की हेड को जो याद करेगा तो वो मरेगा ही नहीं। तो तरीका बताया विभीषण ने, इसकी नाभि कुंड में बाण मारो जो इसका बुद्धि हो सीता से हट जाए, तो वो ही किया, वो बुद्धि योग वहां से हटा और रावण की मृत्यु हो गई। क्योंकि दुनिया के सारे कार्य प्योरिटी से ही होते हैं। तो यह अभी कैसे लागू होता है? यहाँ देश अभी ये बिहार में कैसे लागू होता है? ब्राह्मण की दुनिया में ही तो रावण है, रावण रावण के अंडर में सीता नहीं है, सीता कहाँ है अभी? रावण के अंडर में ही तो है, तो यही तो बाबा ने कहा है अद्वैतवाणी में, अभी हम बच्चों से किसका आह्वान करो? विजयमाला का आह्वान करो। उधर से वो विजयमाला, विजयमाला क्या है? विजयमाला है शहद की मक्खियों की रानी का संगठन। तो पूरा संगठन का आह्वान कैसे होगा? रानी आ जाएगी, शहद की मक्खियों का छत्ता इकट्ठा लाया जाता है या रानी मक्खी पकड़ी जाती है? रानी मक्खी को पकड़ा जाता है, तो उसका आवाहन करो तो सभी शहद की जो मक्खियां हैं वो स्वतः ही आ जाएंगी।
प्योरिटी की पावर अगर आ जाएगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। बुद्धियों की पावर है ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सेवा करते रहे, तो उन्होंने बाबा ने कहा ग्रुप्स की सेवा करो, सभी ग्रुप्स वालों की सेवा करो। तो वकीलों को भी उठा लाते हैं, दुनियावी जजों को भी उठा लाते हैं, सन्यासियों को भी उठा लाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा लाते हैं, ऐसे आईटी वालों को भी उठा लेते हैं, इनकम टैक्स वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको उठा लाते हैं। बाबा ने जो बोला है वो जो जैसा तुम पहले प्यूरिटी कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हो, वो तो तुम्हारा अंदाज आ गया कि प्यूरिटी हम रह सकते हैं। अब ये क्रोध के बारे में तुम आज से ही उसके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ये क्या जिसमें क्रोध का अंश होगा उसमें अपवित्रता काम विकार जरूर होगा। क्रोध रह जाता है, इससे साबित होता है कि जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। क्रोध के बीज के बारे में पूछा, क्रोध का बीज क्या है? कोई अप्राप्ति होती है, प्राप्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। कामेशु क्रोधेशु, कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आने लगता है। तो मुख्य चीज है कामना के ऊपर विजय प्राप्त करना। कामना का कुछ न कुछ अंश रह जाता है, वो क्रोध जरूर दिलाता है। श्री कृष्ण ने युद्ध करने से आगे विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण ने युद्ध करने से आगे विराट रूप दिखाया, फिर श्री राम ने युद्ध करके बाद में विराट रूप दिखाया, इसका अर्थ क्या है? इसको दिखाया, विराट रूप को दिखाया, किसको? बामन को, बलिराज को दिखाया था राम ने, जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। राजा बलि है वो रामायण की बात नहीं है। ये कृष्ण की बात तो ठीक है, शास्त्रों में ऐसे आया है कि जब उनको गीता का उपदेश दिया और उनकी बात बहुत समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया, अपना विराट रूप दिखा दिया, तो विराट रूप देख करके वो पिघल गया। ये प्रैक्टिकल स्वरूप हुआ ना, बातों बातों से कोई नहीं मानता है, तो बातों से नहीं मानता है तो उसको अपना असली विकराल रूप दिखा दिया, उनकी समझ में आ गया। विराट रूप क्या है? बीज को दिखाएंगे तो बीज छोटा सा नजर आएगा, और बीज का जब विस्तार रूप सारा वृक्ष ही सामने आ गया कि अरे ये बीज बीज ही नहीं है, इसमें सब कुछ है, दुनिया में जो कुछ भी अच्छे से अच्छा है और बुरे से बुरा है वो सब काई में समाया हुआ है, उसी बीज में समाया हुआ, तो विस्तार का रूप दिखा दिया उनको। देखो मेरे अंदर राक्षस भी समाये हुए हैं, मेरे अंदर देवताएं भी समाये हुए हैं, मेरे अंदर ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब समाये हुए हैं, सारी दुनिया मेरे से ही निकलती है और मेरे में ही समा जाती है, मैं उनमें नहीं हूँ, वो सब मेरे में है, पत्तों पत्तों में भगवान नहीं है, लेकिन वो पत्ते टहनिया फूल फल किस में समाये हुए हैं? बीज में समाये हुए। है संकल्पों की बात, सबके अंदर अपने 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 प्रकार के अलग अलग संकल्प समाये हुए हैं। अब भगवान का संकल्प और सबके संकल्प में अंतर होगा या नहीं होगा? है, जब तक ये दुनिया है तब तक ये अंतर देखने में आता है, और दुनिया खलास करनी है
तो भगवान आकर के साहब को कहता है मेरे को याद करो, मेरे को याद करो, मेरे को याद करो। माने साहब के संकल्प किसमें समझ आए? एक बात में समझ आए, दुनिया खत्म। तो संकल्प ही बीज है, तो संकल्प को ऐसे ओरिजिनल रूप में लाया जाए जैसा पुरानापन खलास हो जाए दुनिया का। बाबा ये कठोर वचन लाउड वॉइस के विषय में अभी जिक्र हुआ था, क्या लाउड वॉइस कड़ा वचन ज्यादा शोर में वचन तेज आवाज में वचन तेज आवाज निकल जाती है ना, चाहते हैं कि हमारे मुंह से तेज आवाज न निकले फिर भी रोष आ जाता है और तो तेज तेज तर्राट होके बोलने लग पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कंट्रोल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। रोष आना वो भी तो क्रोध की निशानी है। अच्छा बाबा ने बोलते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, लेकिन कल्प ये आधा कल्प तो राम का है, आधा कल्प रावण का है। तो बाबा रावण का कल्प में भी राम का कल्प है कि दोनों कल्प में? आधा कल्प आपने बताया ना, आधा कल्प राम का है, आधा कल्प रावण का है। तो मैं पूरे कल्प के बाद में आता हूँ, आधे कल्प के बाद थोड़े ही पूरा कल्प होता है। राम का कल्प भी पूरा हो जाए और रावण का भी आधा कल्प पूरा हो जाए, दोनों पूरे होने के बाद फिर मैं आता हूँ। कोई नहीं तो अपने नेपाली में बोल दो, कोई हिंदी अनुवाद कर देगा नेपाली में। बाबा तिमी सोचे राम राज्य आउँछ अरे अँधारो में, तो राम राज्य भन्नुहुन्छ मुरली में, दिन में राम राज्य और अँधेरे में रावण राज्य। बाबा तो अँधारो में आउनुहुन्छ यहाँ आउँदाखेरि रात में तो रावण राज्य होता है, रात में रावण राज्य होता है, दिन में राम राज्य होता है। बाबा रात में ना बाबा जिसको कहा जाता है, बाबा जिसको कहा जाता है ना, वो बाबा में तो शिव आता है ना, जो शिव आता है जिसमें आता है वो आधा समय राम राज्य में होता है और आधा समय रावण राज्य में होता है। माने जिसमें आता है मुकर्रर रथ में, वो मुकर्रर रथ वाली आत्मा दोनों में होती है, राम संप्रदाय में भी होती है और रावण संप्रदाय में भी होती है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ राम संप्रदाय में ही होकर के चली जाती है, तो दोनों में होने के कारण दोनों में पार्ट बजाएगा, रात में भी आएगा और दिन में भी आएगा। पाठी तेरी खेल ल्याउँछ नि पाठे सबैलाई हेर्नु पर्यो नि त, सबैलाई हेर्नु पर्यो नि। बाकी ब्रह्मा बाबा रात में ही आता है क्या? गुलजार दादी जो ब्रह्मा बाबा है ना, वो रात में ही आता है, चंद्रमा रात में ही निकलता है और सूर्य यहाँ दिन में निकलता है और जहाँ रात होके गई वहां भी फिर निकलता है जाके। अभी यहाँ दिन है, अमेरिका में रात होगी, वहां भी जाएगा सूर्य। इस तो क्वेश्चन नहीं क्या सब ले रहे अमेरिका का यही, सूर्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ दिन हो जाता है, सूर्य जहाँ जाएगा वहाँ दिन हो जाएगा। रात को दिन बनाने वाला है ही सूर्य। हमारा दिन में अमेरिका का रात हो जाता है तो उन लोगों का दिन में हम लोग का रात, ये तो क्यों ऐसा अंतर है? गोल है ना पृथ्वी, ये गोल पृथ्वी जो है, जब सूरज के सामने ये हिस्सा आता है था तो वहाँ दिन है और पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती भी है, तो घूमती हुई जब अमेरिका का हिस्सा सूर्य के सामने आएगा तो अमेरिका में दिन हो जाएगा।
पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है, यूं 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 एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। हद में सुध मार, बेहद में सुध मार। तो जो हद में है वो ही बेहद में। दिन और रात का पूरा चक्कर होना चाहिए। दिन का चक्कर है राम का, रात का चक्कर है रावण का। तो रात और दिन दोनों का चक्कर पूरा हो तो एक कल पूरा कहा जाता है, वो एक दिन कहते हैं। यहाँ एक रात हो जाती है एक दिन। ये बाबा, ये इतना जितना भी विश्व में राज्य है इसमें नेपाल और भारत में माँ को मानते हैं। नेपाल में भी माँ जननी मानते हैं, नेपाल नेपाल जननी बंदे कहते हैं और भारत माता बोलते हैं। क्यों दो देश में जननी तो बात जो जन्म देने वाली वो जननी। हाँ जी, हाँ जी। माता को ही जन्म देने वाली कहा जाता है, बात तो एक ही है। और दो दो ही मानता है सारा राष्ट्र में, ये नेपाल और भारत में। हाँ? और कई राष्ट्र में ऐसा माता को मान्यता नहीं देता। मातृ देश है ना भारत देश। हाँ जी। और दूसरे देश मातृ देश थोड़े ही है। नेपाल में भी जननी बनते है। जब नेपाल पहले सुबह में वो आरती करते नेपाल जननी बंदे, शुरू में उठकर ऐसा रेडियो में टीवी में पहले नेपाल जननी बंदे करके शुरू करते। यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों को मानते हैं, माँ चंद्रमा और सूर्य पिता। माँ बाप दोनों को मानते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग का देश है। और दूसरे देश में प्रवृत्ति मार्ग थोड़े ही है, कुछ प्रवृत्ति मार्ग वहां निभाया जाता है। आज शादी की, कल शादी तोड़ दी, अम्मा बाप बदल गए, अब दूसरे अम्मा बाप आ गए। अब मुरली वाले ज्योति से छुट्टिया में बुलाई। तो दूसरे देशों में प्रवृत्ति को पक्का नहीं किया गया है, उनकी कच्ची प्रवृत्ति है। आज है कल कल खलास हो जाती, नई प्रवृत्ति बना लेते। भारत में प्रवृत्ति पक्की। अब ये थोड़े समय से विदेशियों का प्रभाव पड़ गया भारत में, तो भारत में भी विदेशियों का राज्य हो गया। अब यहाँ कच्ची प्रवृत्ति हो गई, फिर भी देवी देवता सनातन पूरा लोप नहीं हुआ। कुछ न कुछ है परिवार ऐसे जहाँ अभी भी देवी देवता सनातन धर्म की परंपराएं मानी जाती है। विधवा हो गई स्त्री तो दूसरी शादी नहीं करेगी। त्रिमूर्ति शिव कब और कैसे प्रत्यक्ष होते हैं? शिव बिंदी का नाम है, वो बिंदी इस साकार सृष्टि में आती है तो तीन आत्माओं के बीच में आती है। एक आत्मा शंकर के रूप में पाठधारी, दो आत्माएं जो माता के रूप में पाठ बजाती हैं, एक विदेशियों की माता और भारतवासियों की भी माता माने जगत जननी, और एक सिर्फ भारत माता। तो दोनों माताओं का कंबाइंड रूप हो जाता है वो विष्णु, एक पक्का पुरुष रूप शंकर और एक कच्चा पुरुष रूप। है तो दाढ़ी मूछ वाला लेकिन है माता के स्वभाव संस्कार वाला ब्रह्म। तो ये चार पांच आत्माएं हैं जो पांच आत्माएं मिलकर के विष्णु का रूप धारण करती हैं। उनमें भी तीन आत्माएं ऐसी हैं ओरिजिनल जिनसे शुरुआत होती है नई सृष्टि के फाउंडेशन डालने की, एक जगदम्बा, एक भारत माता और एक जगत पिता शंकर। तो तीन आत्माएं जहां मौजूद होती हैं इकट्ठी, उसी समय शिव का प्रवेश होता है। पहले प्रवेश होता है, जिसमें प्रवेश होता है वो सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए। क्या सुनने और सुनाने के लिए?
ब्रह्मा की जो साक्षात्कार हुए उन साक्षात्कारों का रहस्य सुनाने और सुनने के लिए। ब्रह्मा अपने साक्षात्कारों को डायरेक्ट नहीं बोलता, उस माँ के थ्रू बुलवाता है। तो जगदम्बा जो बोलने का काम करती है, सुनने का काम करती है, वो है ब्रह्मा की असली मूर्ति। वो ब्रह्मा, उसने बोला और प्रजापिता ने सुना। शिव ने दोनों में प्रवेश किया साथ ही साथ, बोलने वाले ने बोला और सुनने वाले ने सुना। जैसे ही उसने बोला वैसे ही सुनने वाले ने समझ भी लिया। तो समझने समझाने का पार्ट हुआ पिता के द्वारा माने शंकर के द्वारा, और सुनने सुनाने का पार्ट हुआ जगदम्बा के द्वारा। ये दो काम हो गए। एक कहेंगे भक्ति का फाउंडेशन डालने वाला पार्टधारी, कौन? जगदम्बा। सुनने सुनाने का फाउंडेशन किसके द्वारा पड़ा? जगदम्बा के द्वारा। और उसको समझने और समझाने का फाउंडेशन किसके द्वारा पड़ा? जगत पिता के द्वारा। शिव ने प्रवेश करके ये दोनों से कार्य कराया, जगदम्बा ने नहीं किया, जगत पिता ने नहीं किया। करण करावनहार वो है। तो दो काम तो हो गए, सुनने सुनाने का काम हो गया और समझाने का काम हो गया। अब रहा समझा किसने, समझाने वाला वो समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो समझाने वाला है वो अलग और समझने वाला अलग। तो दो आत्में रह जाती हैं, समझाने वाला तो प्रजापिता हो गया शंकर का पार्ट, और समझने वाला दो माताएं थी। तो एक माता तो बोल बोल करने वाली थी, जो ज्यादा बोल बोल करने वाला होता है वो उतना समझता नहीं है गहराई से। जो दूसरी माता थी वो चुप रही, उसने ज्यादा मनन चिंतन मंथन किया अंदर ही अंदर। वो मनन चिंतन मंथन ये भारत माता की विशेषता है। बाबा ने मुरली में बोला है कि जो भारतवासी होते हैं वो तुरंत फैसला नहीं करते हैं, सोच समझ के फैसला करते हैं। भारतवासियों का सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है, जल्दी नहीं सरेंडर। और फॉरेनर फॉरेनर फॉरन कर देते हैं। तो जगदम्बा का पार्ट तो फॉरेनर को भी पालने का है, वो तो उनकी भी अम्मा है, तो वो तो फॉरन करती है, वो गलत हो जाता है। जल्दी का काम शैतान का कहा जाता है। तो लास्ट में जाकर के वैष्णवी देवी प्रत्यक्ष होती है, अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुई है। क्या विष्णु का पार्टधारी जो बैलेंस रखने वाला है ला और लव का, वो बैलेंस का लव ला का पार्टधारी अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ यज्ञ में, मैदान में नहीं आया है। अंदर अंदर बात रखी हो वो बात अलग है, लेकिन प्रत्यक्षता तब होती है जब मैदान में आ जाए। तो उसके लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया कि विजयमाला का आवाहन करो, तुम्हारा बुद्धियोग उसे मिले तो मैदान में आ जाए। जो तीन मूर्तियां यज्ञ के आदि में भी थी उन्हीं का नाम रखा गया, ब्रह्म मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा का आ, विष्णु का ऊ, शंकर का मा, महेश का मा, ये तीन शब्द मिलकर के बनते हैं ओम।
उनसे वो ओम मंडली तैयार हो गई। जो आदि में ओम ओम ध्वनि का उच्चारण होता था वो ओम से फिर बाद में जो संगठन बना कराची से उसका नाम पड़ा है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। अब बाबा ये सबको समझने के लिए जो त्रिमूर्ति में चित्र तो एक्यूरेट बना है लेकिन वो बाबा का हिसाब से उसको परमिशन नहीं मिला है जो हमको जो बच्चे के सामने में समझाने के लिए, वो हम क्या कभी कोई ऐसा कोर्स में हो अगर ऐसा हो ये समझा सकती कि नहीं सकती बाबा? अब कोर्स होता काई के लिए, कोर्स इसीलिए तो होता है हम तीन मूर्तियों का पूरा परिचय दें किसी को। तीन मूर्तियों का अगर पूरा परिचय नहीं दे पाया तो फिर कोर्स का मतलब क्या हुआ? त्रिमूर्ति से भी त्रिमूर्ति में बाबा ने बोला कि जो त्रिमूर्ति का चित्र है वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं तो मैं एक्यूरेट समझाओ, एक्यूरेट समझाओ तो एक्यूरेट नहीं है जो वो तो साक्षात्कार से बना हुआ है। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग की बात है, भक्ति मार्ग की बात है तो भक्ति मार्ग की बात थोड़ी लागू करनी है। भक्ति मार्ग तो मुर्दाबाद करना है। जो अभी प्रत्यक्ष पाठ है पाठधारी हाँ जो जिनका झंडा बना हुआ है वो झंडा आज भी लहराया जाता है लेकिन वो तो भक्ति मार्ग की बात है। कपड़े का झंडा है, कपड़ा माने वो कपड़ा नहीं जड़ कपड़ा, ये शरीर रूपी चैतन्य वस्त्र की बात है। तो वो शरीर रूपी चैतन्य वस्त्र कौन से हैं जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर विश्व विजय करके दिखाई है, उनको प्रत्यक्ष करो। तो हमको वही समझाना चाहिए क्योंकि वो चित्र तो एक्यूरेट नहीं है। बाबा ने मुरली में आया है कि ये चित्र एक्यूरेट नहीं है। तो नहीं है एक्यूरेट, अगर वो एक्यूरेट होता तो बताओ, वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, अब वो कपड़ा ही नहीं है तो विश्व विजय करके कहाँ से दिखलाएगा? इसीलिए बाबा ने मुरली में ये तीन मूर्ति में चित्र एक्यूरेट है, ये तुम एक्यूरेट मूर्ति बताओ। मैं बाबा ये बताना चाहिए, सात दिन की स्पेशल भट्टी हो रही है ना एडवांस में, भट्टी है जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट जाता है, तो उस आत्मा की जैसे भट्टी हो गई तो ऐसे ही ये सात दिन की भट्टी है तो नौ दिन की, जिस दिन जाते हैं उस दिन भी वही रमक रहती है आत्मा के अंदर, वही ज्ञान की बातें चलती हैं जो बुद्धि में बैठ गई सप्ताह कोर्स लेने के बाद फोर्स आ गया, तो जाते हैं तो भी वही बातें बुद्धि में चलती है और नौवें दिन जब वहां से आते हैं तो भी वो भट्टी की बातें बुद्धि में गूंजती रहती है। तो नौ दिन की भट्टी है, सात दिन वहां रुकना, एक दिन आना और एक दिन जाना, ये नौ दिन की भट्टी नौ महीने का गर्भ हो गया, ये ज्ञान गर्भ है। जैसे वहां आत्मा गर्भ में जाती है तो दुनिया का कनेक्शन कट हो जाता है, खाना भी अंदर, पीना भी अंदर, पट्टी पे भी अंदर, पेशाब भी अंदर, सब कुछ अंदर, बाहर जाने नहीं दिया जाता। बाहर गया माने जन्म हो गया। तो ऐसे ये भी भट्टी है, बाहर की दुनिया बिल्कुल भूल जाए, ऐसा फाउंडेशन अगर पक्का पड़ेगा तो वो आत्मा बहुत तीखी निकलेगी। और बाहर की दुनिया याद आती रही, या बाहर की दुनिया से टेलीफोन से कनेक्शन किया, या बाहर की दुनिया को पत्र व्यवहार वगैरह भी किया तो भी वो भट्टी, या सात दिन के अंदर भट्टी से बाहर निकल गए तो जैसे वहां होता है गर्भपात, ऐसे यहां भी गर्भपात हो जाता है, माने बच्चा कमजोर रहेगा, मजबूत बच्चा नहीं हो। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं, कृष्ण नौ महीने नहीं दस महीने तक गर्भ में रहे तो पावरफुल आत्मा होकर के निकलती है। तो ये स्पेशल भट्टी की बात समझ में आ गई है? है। ये कहाँ चलन चलती है? माँ शरीर छोड़ती है तो दूध नहीं खाते हैं 45 दिन, नेपाली में चलते हैं, नेपाल में नेपाली लोग एक साल तक कोई नहीं खाते, कोई 45 दिन नहीं खाते नेपाल का वही ना, सिक्किम में हो नेपाली लोग, सिक्किम में भी है नेपाली, जहाँ बैठता है नेपाली लोग का संस्कार है। अच्छा, माँ शरीर छोड़ती है तो दूध नहीं खाते हैं 45 दिन,
और बाप ने शरीर छोड़ा तो दही 45 दिन तक नहीं खाते हैं। अब ये दूध क्या है और दही क्या है? दूध डायरेक्ट होती है और दही जमाया जाता है। दही जो है वो जाम हो जाता है और दही के कीटाणु जो हैं वो ऐसे होते हैं तीक्ष्ण कि दही खाने वाला उसके ऊपर ज्यादा जो दही खाएगा उसके ऊपर बीमारियों का आक्रमण नहीं होता है। प्रतिरोधनी शक्ति बढ़ जाती है। तो दूध नहीं खाते हैं जब मां शरीर छोड़ती है तो मां की याद आती रहती है तो ब्रह्मा की बात। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा 45 दिन तो क्या, जब तक ज्ञान सूर्य बाप की प्रत्यक्षता नहीं होती है तब तक ज्ञान दूध मिलता ही कहाँ है? मुरली मिलती है क्या? ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो मुरली मिलना बंद, तो दूध अपने आप बंद हो गया। और जब बाप प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है तो दही नहीं खाते। दही वो चीज होती है जिसमें मक्खन मिक्स हुआ पड़ा है और जाम हुआ पड़ा है। तो जैसे बर्फ है, पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है, हैं? उसका नाम दिया है हिमालय। क्या नाम दिया? हिमालय, बर्फ का घर है ना। तो अपनी भारतीय परंपरा में शास्त्रों में हिमालय नाम किसका दिया है? नहीं, हिमालय नाम किसका दिया है शास्त्रों में? भूल गए, पार्वती के बाप का। पार्वती के बाप पढ़े हो? पार्वती के बाप का नाम दिया है हिमालय। माने जहाँ बर्फ जमी हुई है, बुद्धि जो है वो जाम रहती है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि कैसी रहती थी? बाबा ने इतना ज्ञान सुनाया, उनकी बुद्धि कभी ज्ञान में चली ही नहीं, मंथन हुआ ही नहीं। हुआ कभी? नहीं हुआ। उनसे ज्यादा मम्मा का होता था। तो जैसे कि दही जम करके रहा, बर्फ जम करके रही, जाम हो करके रही। और सूर्य 76 में जब सूर्य प्रकट हुआ तो मुरली के एक एक बाल में से खाल निकलना शुरू हो गई, ज्ञान जल जो है चलना शुरू हो गया। स्थिर नहीं रह सकता, जाम होके नहीं रह सकता। संकल्प जाम होकर के रहे ऐसे नहीं हो सकता। तीव्रता से संकल्प चलने लग पड़े, मंथन मनन चिंतन मंथन चल पड़ा। तो वो है बाप के मरने की बात, जीते जी मरने की बात है। क्या? दुनियादारी से बुद्धि, बुद्धियों खत्म, नई दुनिया में ही जीना। उसका नाम ही है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। उसका घर कहाँ है? मन बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? ज्ञान जल में ही मन बुद्धि का ठिकाना है। तो परंपरा बन गई नेपाल की, नई दुनिया के पालना करने वाले माँ बाप की ये परंपरा बन गई। नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाले। पालना कौन करता है? माँ बाप। तो माँ बाप की दुनिया में ये पालना का हिसाब बन गया कि माँ जब शरीर छोड़े तो दूध पीना बंद, और जब बाप जीते जी मर जाए तो दही नहीं चलेगा। तुम्हारा दिमाग जो है बर्फ नहीं रह सकता, बुद्धि चलेगी। भट्टी करके आते हैं तो बुद्धि चल पड़ती है या रह जाती है?
चल पड़ती है, साप्ताहिक कोर्स लेते समय ही बुद्धि चल पड़ती है। माँ का दूध पिया हुआ पाप कट जाएगा ऐसा बोलेगा ना? दूध नहीं पिया तो, दूध पिया तो पाप नहीं कटेगा और नहीं तो काटेगा। बाप माँ माँ मर गई तो माँ का दूध नहीं पिया तो पाप नहीं कटेगा, कटेगा। और माँ का दूध पिया तो पाप कटेगा। तो अभी तो हमें पता चल गया कि वो स्थूल दूध की बात नहीं है, ब्रह्मा है माँ और उसका दूध है ये मुरलियाँ। जो भी मुरलियाँ ब्रह्मा के मुख से निकली वो सब क्या है? ज्ञान दूध है या ज्ञान अमृत है? ज्ञान का दूध है। तो जिन्होंने ज्ञान दूध पिया होगा ये बात लागू होती है। पाप उनके कटते हैं, जिनके पाप कटते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जिनके पाप नहीं कटते वो नरक में जाते हैं। मुरली कौन सुनेंगे, विदेशी सुनेंगे स्वदेशी सुनेंगे? मुरली कौन सुनते हैं? मुरली से प्यार किसका होता है, विदेशियों का या स्वदेशियों का? स्वदेशियों का प्यार होता है। विदेशी स्वर्ग में आते हैं? वो तो आते ही है द्वापर युग से। द्वापर युग से जब आएंगे तो जो वो तो नरक की दुनिया में आएंगे। तो नरक की दुनिया में जाने वाले दूध नहीं पीते हैं। किसका दूध? अम्मा का दूध। अम्मा कौन है? ब्रह्म। बढ़िया बढ़िया परंपराएं बनी हुई है, अर्थ है उनका। कोई अर्थ है तो चला है। ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को पूरा विषय ले रहा है, अलिकति सोच में पड़े भनेर नि। ज्ञान मार्ग अब हामी भर्खर कम्ती भर्खर छौ, भक्ति मार्गमा बेसी संख्या छ। अब परिवार भित्र एउटै घर भित्र पनि कम्ती छ, कोही दुईजना एकजना होला, पाँचजना सातजना उता ज्ञान भक्ति मार्गमा छ। अब त्यहाँ घटी घटी कार्य हुन्छ, मृत्यु पर्दाखेरि कसो गर्नुपर्छ? हाम्रो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग ज्ञान मार्गबाट चाहिँ कसरी पारायण गर्नु, के गर्नुपर्छ? बाबा बोल रहे कि हम कम है, जो ज्ञान में चलने वाला है वो कम है, कम है। और भक्ति मार्ग का है ढेर के ढेर, ढेर के ढेर है। एक ही परिवार, एक ही परिवार में भी एक दो ज्ञान में निकला है, बाकी सब भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में है। और हमको उसके बीच में कोई मृत्यु होता है, और मृत्यु होता है जिसमें कोई खंडित कर्म होता है, उसमें क्या करेंगे हम? कैसे उसी के कैसे सम्मिलित हो जाए? जो अकेला चलने वाला है, अकेला चलने वाला है, उसके सामने समस्या क्या आती है? समस्या मेजोरिटी में जाना पड़ेगा, मेजोरिटी। अच्छा अच्छा, जैसे कि शरीर छोड़ा किसी ने परिवार में, तो वो भक्ति मार्ग की परंपराएं अपनाते हैं। उन परंपराओं में जैसे सर मुड़ाना है, अगर हम सर नहीं मुड़ाएंगे तो कहेंगे ये तो ये नहीं चलेगा, नाराज हो जाएंगे, है ना? उसके लिए बाबा ने बोला है, उसके लिए बोला है कि हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। क्या? सबके सब बगुला है, एक हंस नहीं रह सके। अंधश्रद्धा अंधविश्वास की परंपराएं चला रहे हैं। एक ज्ञान का हंस बन गया, ज्ञान के मोती चुंगता है। बुद्धि में ज्ञान की बात बैठेगी तो काम करेगा, ज्ञान की बात बुद्धि में नहीं बैठेगी तो नहीं करेगा। माथा मुड़ाओ, अरे क्यों मुड़ाए? अरे ये धागा पहनो, अरे क्यों पहने? वो बुद्धि में बात नहीं बैठेगी ज्ञान के आधार पर तो नहीं मानेगा। तो वो हो गया हंस, जो ज्ञान के मोती ही चुंग करके जिंदगी जीता है। अब उस हंस को ढेर के ढेर बगुले हैं परिवार में गांव में, वो नहीं चलने देंगे। तो जब तक चलता है तब तक चलता है, कमजोर आत्मा है तब चलेगी, जब पावरफुल हो जाएगी अलग हो जाएगी, अपनी दुनिया अलग बनाएगी या पुरानी दुनिया में रहेगी? अलग बनाएगी। हमारा बाप अलग, हमारी अम्मा अलग, हमारा परिवार अलग, हमारे भैया बंद अलग, हम किसी के अधीन नहीं, हमारी नई दुनिया अलग।
बाबा किस मुड़वाने से तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा सर, पवित्रता होगा ना किस मुड़वाने से? हाँ किस मुड़वाने से तो पवित्रता ही होगा ना, किस मुड़वाने से? किस मुड़वाने से ऐसे नहीं खर्चोगे? मान लीजिए पैसा भी नहीं खर्चा होगा, पैसे खर्च नहीं होंगे, अपने आप को मुड़ाएंगे होगा वो लोग अपने आप मुड़ा देंगे ना, मुड़वा देंगे। कैची वैची मशीन मशीन लानी पड़ेगी ना? नहीं नहीं वो अपने गांव के गांव वाले गाँव वाले अच्छा गांव बहुत जगह कान कतरने की परंपरा है, नाक में छेद करने की परंपरा है, फिर करवाओगे? वो तो अपने आप कर देंगे, करवाओगे? अच्छा वो भी छोड़ो, मुसलमानों में जो सुन्नी होते हैं वो इंद्रियां ही कटवा देते हैं, तो कटवाओगे? अरे हम किसी के बंधन में क्यों रहे हैं? हम आलतू फालतू की जो दिमाग में आने वाली बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं अंधश्रद्धा की, हम वो क्यों माने? जबकि हमें ज्ञान का रास्ता मिल गया, ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा परत खगे से लगे नहीं बारा, जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया तो ज्ञानी से कोई जीत सकता है क्या? ये सब नहीं कर तो सकते है बाबा, ये ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्या प्रॉब्लम एक समय से क्या आ जाती है उसमें, फिर दूसरे जगह उसको ज्ञान सुनाने के लिए कोई अगर उसमें घुस जाए तो उसमें घुसने नहीं देगा वो, दुनिया घुसने दे? स्थितियाँ परिस्थितियाँ दिनों दिन बिगड़ती जा रही है दुनिया वालों की, ये अच्छी होती जा रही है, ज्यादा नया बिल्कुल ही रगड़ जाएगी तो कहाँ जाएंगे, हट्टी तो एक ही है। कोई समस्या के बारे में सब बोलते हैं कि क्योंकि आज हम इसको उसके उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो कल वो हमको बारे में जाकर ये ज्ञान सुनाने के लिए नहीं देंगे, तो इसीलिए ये सारे लोग ज्ञान सुनाने से कोई सुनता भी नहीं है। हाँ जी वो सुनता नहीं, जो हमारे कुल के हैं वो ही सुनते हैं, दूसरे सब सब नहीं सुनेंगे, जो प्रजावर्ग की आत्मा है जो भक्ति किस्म की आत्मा है वो नहीं सुनेंगी, जो सिर्फ राजयोगी रहे थे पिछले कल्प में, जिनको भगवान ने राजयोग सिखाया था 16108 आत्माएं राज परिवार की, वो ही सुनेंगी, दूसरी नहीं सुनेंगी। इसलिए ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है हमारी अवस्था बढ़ाने के लिए, हम जितना सुनाएंगे उतना हमको अंदर अंदर खूब ज्ञान चलेगा, जितना अंदर अंदर ज्ञान चलेगा बुद्धि में मंथन चलेगा उतना बाबा हमको प्यार करेगा, ये नियम है। हम बाबा की ज्ञान की बातों को जितना अंदर सुमिरन करेंगे और उतना ही सुमिरन करेंगे जितना हम दूसरों को सुनाएंगे, आप करके देख लीजिए, आप किसी दिन 4-6-8 आत्माओं को सारा दिन सुनाइए, आपका मंथन अपने आप चलेगा। वो तो बिल्कुल होता है बाबा, ऐसे होता है। जब आपका मंथन लगातार चलेगा, आपने सेवा की ना, तो सेवा का उजूरा शिव बाबा देगा, क्या उजूरा देगा? सेवा करने वाले बच्चों को बाप खुद याद करते हैं, तो भगवान खुद हमको याद करें और हम भगवान को याद करें, दोनों में कुछ अंतर होगा कि नहीं? है भगवान हमारी बुद्धि को खींचे और हम भगवान को याद करें, हमारी याद में तो ताकत ही नहीं है उतनी। फिर बाबा ने तो बोला है तो सब ज्ञान में सारे आएंगे। हाँ जी बोला है, बोल दिया आगे चल के तुम्हारे परिवार के सारे ही आ जाएंगे, तो चिंता किस बात की? फिर तो सुनना ही नहीं पड़ेगा, हम अपना तो कल्याण कर लें। दादाजी क्या बोल रहे हैं बाबा, उस ज्ञान तो अभी बाबा सारे के सारे परिवार आ जाएंगे तो सुनाना ही नहीं पड़ेगा। जब बाबा ने वरदान दे दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, आखिरीन सच्चाई की प्रत्यक्षता होगी या नहीं? आखिरीन सच्चाई सर पर चढ़ के बोलेगी या नहीं बोलेगी? अभी अभी प्रैक्टिकल में देख लो, जब एडवांस ज्ञान निकला था, एडवांस ज्ञान जब निकला था, एडवांस की बात जब कुमार का दादी को पहले पहले सुनाई गई कि बाबा ने देखो मुरली में बोला है, जो कबूतर बुद्धि होंगे वो सच्चाई बोलेंगे नहीं, उनके मुंह से गुटरूं कूं आवाज अंदर की अंदर रह जाएगी, और जो तोता बुद्धि होंगे वो तो पटाक पटा टियो 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 करके सारी ज्ञान की बात सच्चाई बोल देंगे। कुमार का दादी को आया गुस्सा, निकलो बाहर, तो सियोन से कहा इसको छोड़ के आओ बस स्टैंड, अभी अभी यहाँ से भागे, नहीं कि ये वातावरण खराब कर देगा। एक वो टाइम था कि टिकने नहीं दिया, सन 76 से लेकर के सन 98 तक
ये टाइम आया कि उन्होंने चारों तरफ दुनिया में अखबारों से, टीवी से, रेडियो से एडवांस पार्टी की धूप टेढ़ी कर दी, बुराई की कर दी चारों तरफ। आज वही सच्चाई, उन्होंने एक सेंटर के ऊपर हमला किया कम्पिल में, आज कितने मिनी बदन, दर्जनों मिनी बदन खुले पड़े। कोई ज्यादा टाइम हो गया? नहीं, उस समय तक माउंट आबू में एडवांस वाले जाने से डरते थे, बुला सुनाने से डरते थे। आज वही माउंट आबू में जाकर ढेर की ढेर प्रॉपर्टी खरीद कर लोग बैठ गए। कुछ कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब सच्चाई सर पर चढ़ के बोलेगी तब क्या करेंगे? तो मानना पड़ेगा, सत्य को तो मानना पड़ेगा। कमजोर आत्माएं जब तक हैं, हमारे अंदर जब तक कमजोरी है, तब तक हम दब करके रहते हैं भक्ति मार्ग वालों से। वही बात है, जब ज्ञान का जोर हो जाएगा, हमारी मेजॉरिटी भी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं, पांच पांडवों की तो मुट्ठी बंधे। अभी क्या है, अभी यहाँ सिक्किम में कितने निकले होंगे, 50 60 निकले होंगे, 50-60 निकले, इकट्ठे होकर बैठते हैं कभी, मुट्ठी बंधती है? पांच पांडव निकले हुए हैं, वो भी इकट्ठे होके नहीं बैठ रहे, मन से मिलते नहीं, इतनी भी प्योरिटी नहीं आई है जो यूनिटी बना सके। तो इतनी पावर आ जाए हमारी प्योरिटी में, इतनी पावर आ जाए कि हम सब इकट्ठे होकर के मुट्ठी बांध करके बैठ सके, यूनिटी बने, फिर देखा दुनिया नहीं मानती, प्रैक्टिकल को दुनिया मानेगी, प्रैक्टिकल दुनिया देखेगी कि देखो हमारे में तो इतनी फूट है, और ये तो सब इकट्ठे इतने होकर के इतने मजबूत हैं, थोड़े से और कितने मजबूत हैं, पावरफुल है, तो उनके ऊपर असर पड़ेगा। बाबा, ये हमने किसी को दुख नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, एक होता है अल्पकाल का दुख और एक होता है सदाकाल का दुख। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी को सदाकाल के लिए दुख हो जाए। हमने दवाई दी कड़वी, डॉक्टर कड़वी दवाई देता है, मरीज तिलमिला जाता है, नहीं खाना चाहता, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, मरीज तिलमिला जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज तिलमिला जाता है, तो वो अल्पकाल का दुख है। लेकिन रिजल्ट में भला, रिजल्ट में सुख है या नहीं है? लंबे काल का सुख है। तो सुख दुख की परिभाषा भी हमें देखनी है। कोई विकार मांगता है, हमने विकार दे दिया, वो सुखी हो गया, तो ये सुख देना हुआ? नहीं, तो सदा सदा काल के लिए दुख देना हो गया। बहुत सी माताएं ऐसे बोल देती हैं, हम अपने पति को दुखी क्यों करें? अरे तो तुम सदा काल का दुख दे रही हो। हाँ, तो आप कुछ कहना चाहते थे, पूरी बात करो। कुछ बोलने के लिए भी, जैसा कि बोलने के लिए भी तो किसी को चोट हो जाता है, किसी को ऐसा होता है कि जैसा कि अभी मेरा एक समस्या है, जैसा कि अभी मेरा ये 10 तारीख को मेरा सासू माँ गुजर गई, शरीर छूट गई, तो उनको अभी हमारा, वो तो क्रिश्चियन थी, तो हम तो फिर मेरा मिसेज तो फिर हिंदू है, हमारे साथ है मेरा मिसेज, तो वो चाह रही है कि मैंने उसका माँ का गुजर गया, अभी जो थोड़ी देर पहले यही बात हुई थी, तो उनका बारे में अभी वो फास्टिंग करना चाहती है, तो वो फास्टिंग करेंगी तो हमारा संस्कार के मुताबिक हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ करना पड़ेगा, तो ये संस्कार है हमारा नेपाली का। क्रिश्चियंस में फास्टिंग की जाती है? क्रिश्चियन का तो चला गया, मिसेज तो हिंदू में है, तो मेरा नहीं है वहाँ की, इनकी सास ने सही छोड़ दिया, सास थी क्रिश्चियन। हाँ, तो अब आप युगल क्या चाहती है? चाहती है कि मैंने हिंदू परंपरा से, हिंदू परंपरा के अनुसार काम करे दो मिलकर, उनका उनका जो सास माने, इनकी युगल ज्ञान में नहीं चल रही। तो अभी मेरे को भी उसमें नहीं करूंगा बोलेंगे, मेरे को तो मालूम है इसमें ये करने से कोई फायदा नहीं है, मैं बता भी रहा हूँ, ये कुछ दरकारी नहीं है,
ऐसा करने से तो क्या फायदा मिलेगा, हमें तो जब जिंदा रहेंगे तभी सब कुछ करना है, तो मरने के बाद तो अभी उसको ये करने से तो कोई फायदा नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि मैंने आप ये मत करो, तो फिर वो चाह रहे हैं कि नहीं मेरा माँ का तो मैं तो करूँगा, ऐसा अगर मैं फिर नहीं करूँगा फिर उसको दिल में चोट पहुँचेगा। तो अब इसमें बड़ा इसके दो ही तरीके होते हैं, या तो आप इतने सहनशील बन जाएं कि अंदर से बाबा को याद करते रहें और उसको खुश करने के लिए उसका टंट घंट कर दें, इतने सहनशील बने, या तो इतने सामना करने की शक्ति वाले बने कि नहीं हम गलत काम नहीं होने देंगे, हम भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद करने वाले नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इतने कड़क मजबूत हो, या तो शंकर की तरह एकदम कड़क हो जाएं, शंकर जैसे बैठा है, नहीं मानना है तो नहीं मानना है, या तो ब्रह्मा की तरह एकदम लूज हो जाएं, दो ही हालतों में आप विजयी हो सकते हैं। नहीं अभी एक कुछ ऐसा उसका बीमारी भी है, ये हार्ट का मरीज है, और ज्यादा कड़क होने से भी उसका कोई परेशानी और मेरे को ही पड़ेगा, परेशानी तो हमको ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा बच्चे का भी फिर उसका भी कुछ हो जाएगा, तो अभी रास्ता में बच्चे का है तो पत्नी का है तो कर्म बंधन तो आपका है ना, कर्म बंधन तो झेलना पड़ेगा, क्या किया जाए। वैसे ये निश्चित है कि आखिरी में बच्चा बच्चा नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, बाप बाप नहीं, कोई संबंधी अपना नहीं रहेगा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इस स्टेज को जो अभी प्राप्त कर लेंगे वो आप देखेंगे अष्टदेव में जाएंगे। बाबा ये आप बात सुन लेंगे, आप इस स्टेज को जो अभी प्राप्त कर लेंगे कि बाप बाप नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, माँ माँ नहीं, बेटा बेटा नहीं, पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, कोई संबंध अपना नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, आखिरी ये स्टेज बनेगी या नहीं बनेगी, सबकी बनेगी या कोई की बनेगी, कोई की नहीं बनेगी, कोई की बनेगी ना, जो बाप के बच्चे हैं उनकी बात करो, बनेगी ना, तो जो बाद में बनेगी उसको हम पहले बना लेते हैं तो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे, अष्टदेव की लिस्ट है वो, अष्टदेव जो प्रत्यक्ष होंगे वो ऐसी स्टेज वाले होंगे, नष्ट वो है, हमारा फाइनल पेपर क्या है, फिर ये हमें साथ देंगे, जानवर बुद्धि है ये नहीं साथ देंगे, इसलिए बोला है तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर मारने वाले, ये दुख देने की बात नहीं है, ये दुनिया मोह में फंसा करके हमको दुख देने वाली है, तो हम अपना पद क्यों गवाएं, ये हमारे 84 जन्म साथ आएंगे, एक भी सच्ची बात मानने के लिए तैयार नहीं, सच परमात्मा को पहचानने के लिए तैयार नहीं, सच खंड में जाने के लिए तैयार नहीं, ठोकर मार रहे हैं, वो हमारा साथ देंगे 84 जन्म, एक जन्म के लिए हम क्यों अपनी इतनी नाक रगड़े, जो हमारा सारा सत्यानाश हुआ जा रहा है, पद का पद भ्रष्ट हो रहा है जन्म जन्मांतर का, उन्होंने खर्चा न करने दी तो कभी आएगा भी नहीं, करने भी नहीं गया, क्यों उसके भी इनका जो दस्तों है बाबा, एक बात और, बाबा ने 20 बातों की एक बात कह दी, जो दुनिया भस्म होने वाली है उस दुनिया वालों की लोकलाज में कितना आड़े पड़े हैं, और जो दुनिया सामने खड़ी है दिखाई पड़ रही है आंखों से उस दुनिया की लोकलाज की परवाह नहीं करते, देखो चार ब्राह्मण आपस में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, अपनी दुनियादारी लगी पड़ी है,
धर्मराज तो सबको सीख सिखाएगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। परीक्षा बोलते हैं ना बाबा, ये भी परीक्षा है, परीक्षा ही है, परिवार वालों की तरफ से परीक्षा है। प्रश्न आया अभ्यतवाणी में, बोला 90 देशों से डबल विदेशी आए हैं, इसका क्या मतलब है? बेहद में पूछ रहे हैं, वहां तो हद में आए थे, 90 देशों से विदेशी लोग आए तो वहां बोला 90 देशों से आए, अब यहां भी तो है डबल विदेशी। एडवांस की दुनिया में, मैंने एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाप दादा की आंखों के सामने घूमने वाली 90 ऐसी आत्माएं हैं जो डबल विदेशी के रूप में है। 108 की माला है, 108 की माला में 8 तो है पक्के स्वदेशी, कितने रह गए? 100 रह गए, वो 100 सारे क्या है? सारे विदेशी हैं। उनमें से बोला 90 बाबा की आंखों के सामने आ गए हैं, वो माला में पिरोए जाने वाले हैं, विशेष आत्माएं हैं। रुद्रमाला है ना, सब धर्मों के बीज है ना उसमें, कि एक धर्म के बीज है, सब धर्मों के बीज है, तो विदेशी भी है, ये बेहद की बात है। और बाबा ये फास्टिंग करता है भक्ति दुनिया में, इसमें नमक नहीं लिया जाता है। नून पानी बाबा बोलते हैं, नून पानी होना अच्छी बात है या खीर खंड होना अच्छी बात है? खीर बनाई जाती है तो चावल दूध चीनी तीनों मिलके एक हो जाते हैं या अलग अलग रहते हैं? एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के अलग अलग स्वभाव संस्कार हैं, क्या अलग अलग स्वभाव संस्कार है, अंत में क्या होगा? तीनों मिलकर के एक हो जाएंगे। तो खीर खंड बनना अच्छी बात है या नमक डाल देते हैं तो दूध फट जाता है? वो अच्छा है, खीर बनना अच्छी बात है, नमक डाला हुआ दूध है दही बनेगा? नहीं बनेगा, हो उसमें से घी निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही लून पानी होना अच्छी बात नहीं है, ये लून पानी होना, ये खास एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया है, फरक्काबाद, फरक्काबाद का नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लून पानी होके रहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, पटाक से काट करेंगे एक एक बात का। अच्छा बाबा, ये कौरव और पांडव दोनों राजाओं थे, माने इनमें कौरव को राजा है, ये तो राज परिवार का है, राजा है बोले, लेकिन पांडव को गरीब कहा गया है, लेकिन वो तो ज्ञान का तो फिर राजा था, तो उसको फिर गरीब कैसे? हद की दुनिया की बात बताइए, क्या हद की दुनिया के हिसाब से कौरवों को राजा ही थी, राजा के पास क्या नहीं होता है? सब कुछ होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में देख लो, उनके पास कोई कमी है? कमी है, तीन पर पृथ्वी की कमी है? नहीं है। और पांडवों को, ये पांडव बैठे हुए हैं पंडा के बच्चे, तो देखो ये बनाने के लिए भी ये क्या क्या, आधे ऊपर बैठे हैं आधे नीचे बैठे हैं, मजबूरी है, क्या किया जाए। पांडव तो पांच थे लेकिन अभी तो यहाँ बहुत है सर, ये बहुत हैं उनके मुकाबले। उनके यहाँ कितने सेंटर है मालूम है? नेपाल में तुम गिनती नहीं कर पाओगे जितने नेपाल में सेंटर खुले हुए हैं। प्लंटियन है, इसलिए उनको बताया 100, इनको बताया 5, और वो भी 5 अभी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये कौरव, मेरे ख्याल में कौरव सभी विदेशी आए क्या? तो कभी ऐसे हैं
सौ कुमार सय कुमार बोलते हैं ना बाबा, ये इसमें ये उनका कौरव को सय कुमार बोलते हैं। तो ये लोग मानी सब विदेशी है क्या? और कैसे देशी है? ये भी माला में तो आएंगे ना, माला में तो आएंगे ना अंतिम में। नहीं, जो भी विदर्भी हैं, जो भी विदेशी हैं, उनमें से जो चुनी चुनी अच्छी आत्माएं हैं वो माला में आती है, चुनिंदा बढ़िया बढ़िया। अच्छे बुरे तो हर एक जगह होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा संगठन है जहां बुरे ही बुरे हों, अच्छे ना हों? बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे बौद्धि हों, चाहे कोई भी हो, सिख हों, उनके हुजूम में जाके देखो, कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ बहुत खराब होंगे। तो उनमें से भी जो अच्छे अच्छे हैं उनको छांट छांट करके ईश्वरीय संगठन में लिया जाता है। नहीं तो ये देखो जगदीश भाई हैं, जगदीश भाई तो आई समाजी थे क्या? आई समाजी थे, फिर ये क्यों आ गए ज्ञान? बाबा तो सनातन धर्म की स्थापना करने आया है। उनमें से भी छांट के अच्छे व्यक्ति को लिया गया। फिर इनमें भी छटाओ, छंटनी हो रही है। बेसिक वाले भी जो जगदीश भाई के फॉलोअर्स हैं पक्के, यहां तक वो कहने वाले, अगर जगदीश भाई मानेंगे एडवांस की बातों को तो हम भी मान लेंगे, जगदीश भाई नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। उनमें से भी छटाव होना है, छटनी होनी है। एक अच्छे में एक बुरे हमेशा पेयर लगा रहता है, जैसे हर हर धर्म में, हर हर समूह में, बंदरों में ले लो, सारे बंदर इकट्ठे करो, उन्हें कोई कोई बंदर बड़े सीधे साधे होंगे। जैसे बंदरों की वृत्ति है ही नहीं उनमें। हर धर्म में भोले वाले होते हैं, ऐसी भोली वाली आत्माओं को शिव बाबा इकट्ठा करता है। हाँ। चलो निकल चलो, हमको क्या जो अष्टदेव बनते है ना, हाँ। वो अष्टदेव को लाल लाल आंखें भी साइन करनी पड़ती है, हाँ। ऐसा बोल आया ना मुझे। उनको तो और ज्यादा दुनिया लाल लाल आंखें दिखाएगी, साइन करना पड़े। और यहाँ का कहाँ है? यहाँ का रजिस्टर किया ही नहीं।